बस ये सी फूड में जाता हूँ भाई, यहाँ पूरे पाकिस्तान लेवल पर ये सी फूड की मैं मार्केट करूँ। या सी फूड तो आप समझो 200 रुपये किलो से लेके 2000 रुपये किलो तक फिश होती है। अभी हम यहाँ फिश नगेट, प्रॉन नगेट, अपना केवियार नगेट, अपना कटल फिश नगेट, स्क्यूड नगेट, जो येलोफिन टूना, येलोफिन टूना में सबसे ज़्यादा विटामिन डी है। वाह भाई वाह, ये कौन सी है भाई? सुरमई। ये देखें भाई, ये मैंने उठा ली है सुरमई। ये देखें, ये क्या चीज है भाई? लॉबस्टर। ये लॉबस्टर है, झींगे के लो, झींगे की सबसे उम्दा है भाई, ये है झींगे का दादा। जंबू टाइगर, ये देखें भाई, तो कैमरामैन करीब लेके आए, ये देखें जंबू टाइगर। ये मेरे, मैं आपको बताऊं साइज, देखें आप, कम से कम भी ये 7-8 इंच का है। और एक बार बता दूं आपको, ये वो फ्रॉस भाई हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्होंने धूम मचाई हुई है, जितनी भी आपकी फिशेस हैं उसको ये सप्लाई करते हैं। देखें आप, ये हीरा है, इसका अपना एक जायका है कि यहाँ पर कच्ची मछली आपको चाहिए, आपको ऑन द स्पॉट मिलती है, वजन करें और अपने घर ले जाएं। ये देखें आप, इसको बोलते हैं काला पापलेट। देखें भाई, हमारी कराची की आवाम कुंद बड़ा खाती है, ये कुंद भी देख लें आप कि इस कुंद में क्या क्या गुण है। अस्सलाम वालेकुम, वदान गाजी आपके साथ है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ केमाड़ी पर। और केमाड़ी पे अक्सर लोग जाते हैं सी फूड के लिए, क्यों जाते हैं भाई? कि मछलियों का टाइम है, सर्दी आई हुई है, लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप जैसे ही नेटी येटी का पुल क्रॉस करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा रूप सी, मतलब एक ऐसा रूप मिलेगा आपको, ये रूप आपने कभी देखा ही नहीं होगा। वो रूप क्या है? यहाँ पर इंटरनेशनल मछलियाँ हैं, जो मछलियाँ आपकी बाहर जाती हैं, जो आपकी फिशेज बाहर जाती हैं, वो फिशेज आपको यहाँ मिलेंगी आपको खाने के लिए। और अगर मैं आपको बताऊँ एड्रेस का, बताऊँ यहाँ का, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे आसान है, गोल्ड लाइन बिल्डिंग है मेन, जैक्सन मार्केट से पहले, जैक्सन मार्केट आगे है आपका, गोल्ड लाइन पहले, ये सारा आपका शिपिंग एरिया है। देखो, ये आपका रेस्टोरेंट है रूप सी के नाम से भाई। अभी देखिए, रूप सी इन्होंने नाम रखा है, क्यों रखा है? कि ये रूप आपको दिखाना है। अक्सर लोग कराची में रूप देख रहे होते हैं, लेकिन एक बार आप इनका रूप भी देख लें कि इनका रूप कैसा है, कौन कौन सी मछलियाँ हैं। ऑनर से बात भी करेंगे और हो सका तो ओनर के साथ खाना भी खाएंगे, आपके साथ इसकी पूरी अदाएँ बताएंगे। और आपको हमेशा की तरह आपको बताता हूँ, हर फूड के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है, कोई ना कोई स्टोरी होती है। वो क्या स्टोरी है ऑनर से पूछेंगे। और एक और बात, जबान बताएगी आपको खाना कैसा है। तो चलिए हमारे साथ। देखिए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फिरोज़ अली गाबा साहब, रूप सी, मतलब के इसका जो रूप है उसके बारे में हमें आगाह करेंगे कि कैसे आइडिया हो गया फिरोज़ भाई को। और एक बार बता दूं आपको, ये वो फिरोज़ भाई हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्होंने धूम मचाई हुई है, जितनी भी आपकी फिशेज हैं उसको ये सप्लाई करते हैं। और आज इनसे पूछते हैं कि कैसे इन्होंने केमाड़ी जैक्सन मार्केट से पहले गोल्ड लाइन बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे रूप सी का रूप दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं, सबसे पहले आपके माइंड में कैसे आइडिया हो गया कि हमारी कराची की जो आवाम है वो अक्सर केमाड़ी जाती है सी फूड पर? आज आपने कोई ऐसा कर दिया काम कि आप कुछ वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जब केमाड़ी जाते हैं और सबसे पहले इस रूप सी का रूप देखें। बस ये सी फूड में जाता हूँ भाई, यहाँ पूरे पाकिस्तान लेवल पर ये सी फूड की मैं मार्केट करूँ। या सी फूड तो आप समझो 200 रुपये किलो से लेके 2000 रुपये किलो तक फिश होती है। तो अब मैं चाहता हूँ गरीब आदमी भी इसको खावे, वो 200 रुपये वाली भी फ्रेश, 2000 वाली फ्रेश। तो फिश बच्चों को खिलाओ, एजुकेशन के लिए अच्छा होगा, और फिश अपने रूटीन में खाओ। फिश का विटामिन डी फिश में होती है बहुत। और अभी हम यहाँ फिश नगेट, प्रॉन नगेट, अपना केवियार नगेट, अपना कटल फिश नगेट, स्क्यूड नगेट,
जो येलो फिन टूना में सबसे ज़्यादा विटामिन डी है, और हमारे कराची के अंदर बोलते हैं 90% के अंदर विटामिन डी कमी है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि देखिए इतनी सारी आपके पास पता नहीं कितने किस्म की फिशेज रखी हुई हैं आपके पास, मेरे को नाम भी नहीं आते, और जो आपने अभी नाम लिए हैं, तो क्या पूरे कराची में जो ये रेट है आपका, मैं अभी आपसे रेट पूछूंगा, क्या ये रेटों में कुछ फ़र्क है या आपका रेट ज़्यादा है या कम है, मुझे ज़रा बताएंगे। मार्केट के अंदर फिश का प्राइस तो अप डाउन होती रहती है, लैंडिंग के ऊपर है, तो फिश मैं आपको बताऊं, हमने अब नॉर्मल प्राइस रखी है। मेरा एक विजन है, हमारा पूरा एक्सपोर्ट है, हम जापान, कोरिया, चाइना, यूरोप पूरा हम लोग एक्सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने में किया है, और 50 साल हो गया हमें काम के अंदर। तो मेरा एक शौक है, मैं ये पाकिस्तान के अंदर अपने भाइयों को बोलूँ ये फिश खाओ। अच्छा, एक सवाल मुझे बताएं कि चलें कि हम यहाँ फिश खाते हैं, ठीक है, फिश खाने के बाद अगर किसी का दिल ये करता है भाई कि यहाँ से कच्ची मछली वो लेके जाए या फिर वो मसाला चढ़ी हुई मछली अपने घर लेके जाए, तो उसके लिए क्या आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? बिल्कुल है, ये आप उसको फिश जो फिश बोलोगे आपको काट के अपने मर्ज़ी की फ्राई फिश बन जाएगी, मसाला चाहिए तो मसाला लग के मिल जाएंगी, आप बोलते नहीं घर जाके मसाला लगाना है तो आपको पैक करके मिल जाएंगी, तो फिश आपको इंशाल्लाह हर किस्म से मिल जाएगी, क्वालिटी क्वालिटी फिश हर कदम पर आपको मिलेगी यहाँ पर, कदम कदम पे, मतलब यहाँ पर एक से एक आपके पास फिश रखी हुई हैं, वो ऐसी ऐसी फिशें रखी हुई हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। और अभी हम अंदर चलते हैं, आज हमें आप कौन सी फिश खिलाएंगे? बस आज ये सुनहरी मौका है आपको, आप आए मेरे साथ लंच करें, आपको इंशाल्लाह खा के फिर पता चलेगा, आपको महसूस नहीं होगी जो मैं फिश खा रहा हूँ। देखिए इतना बड़ा इन्होंने मौका दिया है, इतने बड़ी जगह के मालिक इंटरनेशनल मार्केट में जिनका एक नाम है, वो आज इनके साथ हमें खाना खाने का शर्फ हासिल हुआ है, और खाना खा के ट्राई भी करते हैं, उसी में आप अपनी वीडियो को भी एंड करेंगे। और अभी हम आपको इस पूरे रेस्टोरेंट का, इसकी पूरी जो खसूसियात हैं, इसकी पूरी अदाएँ आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन सी मछलियाँ इस वक्त पिंजरे में रखी हुई हैं, मतलब पिंजरे में नहीं रखी हुई, शीशे में रखी हुई हैं, और चलिए हमारे साथ आपको दिखाते हैं। देखिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के एडमिन, और ये बताएंगे मुझे कि जो अभी फिशेज रखी हुई हैं वहाँ पर एक बॉक्स के अंदर शीशे के, वहाँ ये मुझे साथ लेके चले। देखिए मैं रूप सी का रूप देखने के लिए अंदर आ चुका हूँ, और मैं आपको बताऊँगा आज कि इस शीशे के बॉक्स के अंदर कौन कौन सी नायाब मछलियाँ छुपी हुई हैं, और कुछ मछलियों को बाहर निकाल के बताऊँगा, और कौन कौन से पौन रखे हुए, ऐसे ऐसे पौन हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। आज आपको मैं ऐसे ऐसे पौन दिखाऊँगा बाहर निकाल के कि आपकी रूह खुश हो जाएगी, और आप ये मजबूर हो जाएंगे कि नहीं यार एक बार इस रूप सी का रूप देखना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी नायाब मछलियाँ छुपी हुई हैं, भाई जरा निकाल के दिखाएंगे मुझे आप। वाह भाई वाह, ये कौन सी है भाई? सुरमई। ये देखें भाई, ये मैंने उठा ली है सुरमई, अगर ये मोबाइल में पूरी आ जाए कम से कम इतना, भाई इसका वेट कितना होगा भाई? आइडिया ये 7-8 किलो का दाना। देखिए 7-8 किलो का है। अच्छा ये क्या किलो है? ये 2000 रुपए किलो है, और ये किंग फिश कहलाती है। किंग फिश है 2000 रुपए किलो, इसको रखें जरा भाई। अच्छा इसके अलावा और कौन सी है आपके पास? देखिए सुरमई बता दी आपको मैंने, अभी आपको मैं एक हीरा है, दनिया है। नहीं नहीं ऐसी चीज बताए, देखिए हीरा दनिया लोगों ने देखी भी है, ऐसी चीज बताएं जो लोगों ने देखी नहीं हो। लबस्टर दिखाएं, लबस्टर दिखाएं, ये भाई ये देखें, ये क्या चीज है भाई? लबस्टर। ये लबस्टर है यार, ये क्या है? ये झींगा है? ये केकड़ा एक टाइप का, झींगा ही कह लो, झींगे की सबसे उमदा भाई ये है, झींगे का दादा, मतलब के जो होते हैं जिनकी उम्र बड़ी बड़ी होती है, जैसे शेर होता है बब्बर शेर, उससे बड़ा शहर ये है, झींगे का दादा जिसको बोलते हैं क्या? लबस्टर। लबस्टर, अच्छा ये क्या क्या हिसाब है ये? 5000 रुपए, 4500 तो फिशरी में कच्चा बिकता है। एक दाना? हाँ एक दाना, एक किलो पर केजी। एक किलो 5000 रुपए का है ये। अच्छा ये बहुत गर्म होगा सर? ये हेल्दी फूड है। ये हेल्दी फूड है भाई, देखें बड़ा ताकतवर है। ये देखें आप, ये है जम्बू टाइगर। जम्बू टाइगर इसको बोलते हैं, जम्बू टाइगर। ये आएगा बाहर, आएगा ये आएगा बाहर, आएगा। देखिए इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि जम्बू टाइगर आखिर में है कैसा। ये 3000 रुपए किलो फिशरी में कच्चा बिकता है। ये देखें भाई, तो आप कैमरामैन करीब लेके आए, ये देखें जम्बू टाइगर, ये मेरे, मैं आपको बताऊँ साइज देखें आप, कम से कम ये 7-8 इंच का है, और आप इसे उसको खाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ। ये जो रूप है ना अपना, ये रूप रेस्टोरेंट जो है, या रूप सी जो इसको बोलते हैं हम, इसको आप देखते रह जाएंगे। ये देखें आप, डायनामाइट प्राउन जो 6 डायनामाइट प्राउन की एक डिश है सर, जिसमें 4 से 6 पीस होते हैं, और वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सर्व की जाती है। इसको रखें आप, और मजीद बताएं और क्या है इसके। लोग तो बहुत सारे होते हैं, उसमें कोई हीरा होता है, इसी तरह फिश के अंदर भी, समंदर के अंदर भी एक ही हीरा पाया जाता है, ये अल्लाह की एक शान है। ये देखें आप, ये हीरा है,
इसका अपना एक जायका है। और अच्छा ये क्या किलो है सर? हीरा मछली 1350 रुपये। देखिए यही हीरा मछली आप अगर बाहर से लेंगे कहीं से 1500, 1800, 2000 रुपये में बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर है सिर्फ 1350 रुपये तली हुई, पकी हुई। और कच्ची? कच्ची सर इसमें 500 रुपये, 300 रुपये कम हो जाए। देखिए हाँ एक बात आपको बताई मैंने कि यहाँ पर कच्ची मछली आपको चाहिए, आपको ऑन द स्पॉट मिलती है, वजन करें और अपने घर ले जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई जो जिसके ऊपर मसाला लगा हुआ है वो भी आपको मिल जाएंगी। ओहो ये देखें आप, इसको बोलते हैं काला पापलेट, लेकिन फिर भी देखो इसको बोल दिया काला पापलेट। ये देखें ये है इसका पूरा लुक देखें आप। ये क्या किलो भाई? सर ये 1400 रुपये किलो है और बंगाली बड़े शौक से खाते हैं मच्छी चावल ना ये। यार ये बंगाली क्यों खाते हैं इसको? बंगाली क्यों खाते हैं इसको सर? ये उनको फेवरेट है, उनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो मेहमान नवाजी में ये। 1400 रुपये किलो। अगर कच्चा लें? कच्चा लें तो सर 1000 रुपये 900 रुपये। 1000 रुपये 900 रुपये, 300-400 रुपये का फर्क है। और ये छोटी मछली कौन सी है यार? चलो यार इसका भी कुछ वो है, ये देखें आप, ये दंदिया देखें, बड़ा मशहूर है दंदिया भी। ये क्या हिसाब है सर? 1350। देखिए ये 1350 रुपये, ये भी देखें भाई हमारी कराची की आवाम कुन बड़ा खाती है। ये कुन भी देख लें आप कि इस कुन में क्या क्या गुण है, ये देखें आप। देखिए दो तरह के आते हैं, एक काला सफेद, इसके साइज भी होते हैं बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। काला 800 रुपये का, सफेद 1200 रुपये का। काला 800 रुपये का, सफेद 1200। देखिए काला 800 का है, सफेद 1200 का है। ये देखते हैं ये है छोटा झींगा, ये झींगा है। ये क्या किलो है सर? ये 1400 रुपये किलो। देखिए ये जो झींगा आपको नजर आ रहा है ये 1400 रुपये किलो है, और मैं कह रहा हूँ बहुत ही सस्ता है, इतना सस्ता रेट आपको नहीं मिलेगा तला हुआ वो भी यार। अच्छा ये कच्चा लें? 800 रुपये। देखिए कच्चा भी ले सकते हैं, बात है कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि अक्सर अमूमन लोग है ना फिश ढूंढ रहे होते हैं यार, एक एक हफ्ता एक एक महीना समंदर में रहती है, नमक चढ़ावा होता है, फिर वहाँ आके मिलती है तो उसका पेट नरम होता है। यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही है क्योंकि ये इंटरनेशनल में सप्लाई करते हैं और ये बहुत बड़े डीलर हैं, इनसे आपको कोई भी चीज़ मिलेगी ना सब VIP मिलेगी, कोई भी लोकल नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। पूरी जो ये शीशे की अलमारी है इसका व्यू करवाया और आपको बता दिया कि यार इसमें कौन कौन सी नायाब किस्म की मछलियाँ हैं। अभी हम खाएंगे फिरोज भाई के साथ और बताएंगे जायका और वीडियो को भी अपनी एंड करेंगे। देखिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप सी के ऑनर फिरोज अली गावा साहब, उनसे बात करते हैं। फिरोज भाई कैसे तबीयत वगैरह कैसी है आपकी? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए अभी फ्राई कर रहे हैं ये। फिरोज भाई कमाल है इस मछली का। ये कौन सी है? रेड? देखिए आपने ये पहली बार नाम सुने होंगे रेड स्नेबर। अच्छा ये क्या किलो है? भाई बड़ा सस्ता रेट है, 1500 रुपये किलो। इस तरह की मछलियाँ आपको असर स्क्वायर फुट स्ट्रीट है वहाँ भी मिलती है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर लेकिन मेन मार्केट है ये हमारी सामने, आगे सी फूड है पूरा, और वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ रूफ सी पे एक बार आप लाजमी आए और यहाँ का खाना एंजॉय करें। जितने भी अच्छी मछलियाँ इसके अलावा मैं आपको दिखाए, बड़े बड़े झींगे, कितने बड़े बड़े झींगे जिसकी मिसाल ही नहीं है कोई, वो आपको उसकी पूरी आपको जो उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे उसको जरूर लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। फिरोज भाई से कहते हैं इजाजत, फिरोज भाई मिलकर खाना खाते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।